Welcome to the class of the Veer Mishra classes and today is the topic related to the class of the accounting student. और आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो ये है कि कई सारे ऐसी थिंग्स हैं, हमने ये चीज़ समझी है कि इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका खाली क्या है, GST है, ठीक है ना, जो कि जिसका वर्ड हम शिफ्ट डाउन कर सकते हैं. लेकिन दिक्कत ये होती है सर, आजकल एक क्वेश्चन आया है कि सर जो पेट्रोल पंप्स हो गए आपके, जो अल्कोहल प्रोडक्ट हो गए और जो वाइट पेट्रोल होता है आपका, जो आपका हवाई जहाज में चलता है, जो आपका एरोप्लेन्स में चलता है, उसके ऊपर GST क्यों चार्ज नहीं होता. तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसका मेन रीज़न ये है कि GST से पहले कई सारे टैक्सेशन सिस्टम लगते थे इंडिया में, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, CST हो, वैट हो, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी हो या आपका सरचार्ज हो, अभी भी लगता है सरचार्ज वैसे तो, और ये सारे टैक्सेशन सिस्टम्स लगते थे इससे पहले. इन सबको मिक्स डाउन करके GST बनाया गया है. तो सर दिक्कत ये होती है कि अगर कोई पहले से किसी टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड है तो उसको हम रिन्यू करने के लिए परमिशन चाहिए होती है. तो जो आपको बताना चाहूँगा, जो आपका जो पेट्रोल डीजल है और वाइट पेट्रोल हो गया, तारकोल्स हो गए और अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, उस पर सर GST लगता. उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या लगता है आपका, वैट लगता है. क्या लगता है, वैट. और वैट के फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्सेस. GST से पहले वैट चलता था और वैट का बेसिक है अभी इंडिया में, वैट पूरा वाइंडअप नहीं हुआ, पूरा कंबाइंड नहीं हुआ GST के साथ में, थोड़ा सा हुआ है. और बाकी इन सारी चीज़ों के ऊपर GST नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, और उसका रीज़न क्या है मैं आगे वाली क्लास में बताऊँगा. लेकिन इन सारे प्रोडक्ट पे क्या लगता है, वैट लगता है. और वैट जो रजिस्टर्ड है वो एक्साइज ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी पे रजिस्टर्ड था, वैट आता है आपका एक्साइज ड्यूटी के अंदर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. तो ये सारी कैटेगरीज हैं कि पेट्रोल डीजल एरोप्लेन ये सारी चीज़ों पे वैट लगता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अभी है, इसे कंबाइन नहीं किया, ये रीज़न है. और जब करेगी गवर्नमेंट तो उसके ऊपर देखा जाएगा. और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन प्रोडक्ट पे आपका GST लगा रखा है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, सेंट्रल का है. लेकिन जो स्टेट के लिए भी तो कुछ चाहिए अर्निंग का सोर्स, वो अर्निंग के सोर्स क्या है, यही सोर्सेज है, वाइट पेट्रोल हो गया आपका, तारकूल्स हो गया आपका, पेट्रोल पंप्स हो गए, और आपका जो ये क्या कहते हैं एरोप्लेन्स का वाइट पेट्रोल हो गया. ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या लगता है आपका, वैट लगता है, नोटा GST लगता है, क्योंकि उनका इनकम का सोर्स क्या है, यही सारी चीज़ें. इनको अप डाउन करना सब कुछ स्टेट के ऊपर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता है. पेट्रोल के दाम बढ़ाना या घटाना ये सारे स्टेट के पास होते हैं. आपको पता नहीं होगा कितनी अर्निंग होती एक पेट्रोल के, एक लीटर पेट्रोल के अंदर कम से कम 20 से 25 रुपये गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं ओनली, आपको पता होना चाहिए. और जो आपके गुटखा, जो भी आपके जो अल्कोहलिक्स प्रोडक्ट हो गए, इसके ऊपर भी जो आपका आपका जो कॉस्ट होता है उसका आधे से ज़्यादा 50-60% आपका क्या जाता है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू है, वो भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है ना. तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यही सोर्सेज है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ तो अपने पास रख लेती है, तो कुछ स्टेट को भी देना चाहिए. तो ये सारे जो सेक्टर हैं इनके पास, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको GST के अंदर कन्वर्ट करा सकती है. लेकिन उसमें क्या है, रेट है, पांच रेट है, तो उनमें से पांच कैटेगरी रखेंगे, ठीक है ना. कभी कभी मनी का जो फ्लो है, क्रेडिट फ्लो हो गया, अप डाउन हो गया, तो किससे इनकम अर्न करेगी, कभी घाटा होगा तो किससे इनकम जनरेट करेगी गवर्नमेंट, तो उसके लिए ये सोर्सेज है, ठीक है ना. क्योंकि आदमी कुछ भी करे, इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन लिमिट से डिक्रीज या अप डाउन बहुत कम होता है, और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आती है. तो इस चक्कर में ये GST के अंदर कंबाइन नहीं हुए, और चाहती हैं कंबाइन होना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके इसे कंबाइन कर सकती है, और इसके लिए एक रेट आइडेंटिफाई कर सकती है, और वेट आईडी से ये GST ID ले सकती है. दैट्स इट, इसका ये रीज़न है. और इससे मिलने वाली रिवेन्यू किसी भी रिवेन्यू से बढ़कर है, चाहे वो टैक्सेस सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम से बढ़कर रिवेन्यू ये सारी सोर्सेज है. थैंक यू.